को हम शरीर पर कैसे लगाएंगे, 8 घंटे पानी में भीगी हुई मिट्टी को आप पूरे शरीर पर लेप लगाएं, काली मिट्टी ले सकते हैं, पीली मिट्टी ले सकते हैं, और कोई भी ना मिले तो बाजार से आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। सारे शरीर पर उसका लेप करके आधा घंटा पौन घंटा रखिए, आपके शरीर में जितनी भी चर्बी लूज हो रही है, लटक रही है, वो स्किन को टाइट करने का काम करेगी। इसको हम कहते हैं फुल बॉडी मड बाथ। एक ट्रीटमेंट हम गड्ढे में निकालने का भी करते हैं, वो तो मुझे लगता है शायद घर पर आपका संभव नहीं होगा। तीसरा प्रयोग, आज आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति 55 साल में पहुंचेगा उसको चश्मा लगाना अनिवार्यता होगी। पहले ऐसा नहीं था, हमारे घरों में जो 90-95-100 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं बढ़िया देखते हैं, 4 पाई में बैठ के पूरा घर कंट्रोल कर लेते हैं आज भी। और जो नई जनरेशन है उनको 25 साल में, 15 साल में और 20 साल में चश्मा लग रहा है आजकल। अब एक अमेरिकन जर्नल ऑफ एसोसिएशन ने लिखा है कि आदमी या इंसान अगर 50 और 55 में पहुंचेगा चश्मा उसको जरूर लगाना पड़ेगा। यानी कि 90% लोग अगर चश्मा लगा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हम चश्मा ना लगाएं 50 साल में पहुंचते? उसका एक बहुत बढ़िया प्रयोग है और वो है मिट्टी की पट्टी अपनी आंखों पर आप इस तरह से रख लीजिए। 8 घंटे भीगी हुई मिट्टी की पट्टी को लगभग इतना चौड़ा बनाकर डस्टर की तरह, और उसको आप इस तरह से रखिए अपने फोरहेड पर, थोड़ा सा माथा कवर्ड हो जाए, थोड़ी आपकी आंखें कवर्ड हो जाए, आपका चश्मा उतर जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको डिप्रेशन रहता है, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन ये प्रयोग करके जरूर देखिए। मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगा और जब डॉक्टर भी तनाव में होगा तो शायद वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। और तब सुनीता बहन जी, जिनको मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगी, वो जिंदगी में इस तरीके से आई कि वो भी सेंटर पे बहुत बार, मेरी बड़ी दीदी तो है ही है पर एज ए पेशेंट भी बहुत बार आई है। उन्होंने मुझे समझाया कि जब आप काम करना शुरू करते हो तो सुबह एक बार ये बार बार स्मरण करा करो कि बाबा तू इस कुर्सी पे बैठ, काम तूने करना है, मैंने तो केवल व्यवस्था देखनी है। और आप सब जने इस बात को विश्वास नहीं करोगे कि तब से मेरे अंदर, अब चाहे बाहर अगर 50 भी पेशेंट होते हैं तब भी मुझे ना कोई घबराहट होती है, ना कोई चिड़चिड़ापन होता है, ना कोई तनाव होता है, ना कोई गुस्सा। सिर्फ ये कि मैंने अपना ये व्यवहार कुशल बन जाएंगे तो फिर आप जीवन में सदा प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए वो चीजें जरूर की जा सकती है, उनको तो जरूर करें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी बहन ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी दादी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जबकि वो भी संपात के बाद प्राण कटी बात ये शायद कभी भी किया होगा किसी प्रकार में ज्यादा कठिन, लेकिन 103 वर्ष की आयु पे आज वो सारा विश्व की देख रेख 103 वर्ष की आप स्वस्थ हैं तो ये आपकी करोड़ों की संपत्ति है। सदा स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। उसके बावजूद भी अगर कभी बीमारी आती है तो हमें कभी परेशान नहीं होना। जो लोग बीमारी को फेस कर रहे होते हैं कभी कभी वो बहुत सोचते हैं मैं बहुत बीमार हूँ। जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कितने भी भयंकर बीमारी हो, मेरा निजी अनुभव है, कभी मत सोचे कि मैं बीमार हूँ।